वेलकम बैक माई चैनल बिलीव इन थेरेपी। हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। आई एम नेहा एंड टुडे डिस्कस अबाउट फॉर स्पोन डायरोसिस इन ऑर्थोपेडिक्स। तो जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने स्पाइनल इंजरी, लॉर्डोसिस, स्पोन डायरोसिस एंड सर्वाइकल स्पोन डायरोसिस, लंबर स्पोन डायरोसिस डिस्कस किया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हम स्पोन डायरोसिस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो एंटीरियरली या पोस्टरियरली स्लिप कर जाते हैं। जो हमारी पास इंटर आर्टिकुलर होती है, जो हम उसमें हम लेटरली या ऑब्लिक व्यू से देखते हैं, तो वहाँ पे एक हमें स्कॉटिश डॉग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो स्कॉटिश डॉग होता है वो एक कॉलर, मतलब एक वियर किए हुआ था एक कॉलर टाइप का अपनी नेक में, तो इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। जब स्पोन डायलोथिसिस होता है तो उसमें हमें स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि जो कॉलर बैंड होता है उस स्कॉटिश डॉग का, वो स्लिप कर जाता है। तो हमारे वर्टिब्रा में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्पोन डायलोलिसिस होता है। ये हम जब ऑब्लिक व्यू, लेटरली व्यू देखते हैं तो हमारे जो पास इंटर आर्टिकुलर स्पॉन्सेस होती है, यहाँ पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक स्कॉटिश डॉग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें नेक में ऐसा लगता है कि कोई बैंड है, कॉलर बैंड है, तो बियर किए हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्पोन डायलोसिस। जब इसमें हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं यहाँ पे स्लिप कर जाते हैं, एंटीरियरली या पोस्टरियरली स्लिप कर जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हम उसे बोलते हैं स्पोन डायलोथिसिस। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे ये लग रहा है, ये जो वर्टिब्रा है जहाँ पे ये स्कॉटिश डॉग है उसका जो नेक बैंड है, कॉलर बैंड है, तो वो यहाँ पे स्लिप करता हुआ दिखता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्पोन डायलोथिसिस। ये हमारी पार्स इंटर आर्टिकुलर स्पॉन्सेस होती है। तो आप समझ गए होंगे स्पोन डायलोथिसिस होता है क्या है। बेसिकली इसमें हमारे वर्टिब्रा होते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वर्टिब्रास के ऊपर या नीचे। एंड जो हमारे कॉमनली अफेक्ट होते हैं, कॉमनली जो वर्टिब्रास होते हैं वो L5-S1 के बीच में होता है। सो आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है स्पोन डायलोथिसिस इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉरवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वर्टिब्रा का, एंड ओकेशनली होता है बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट। मेनली हमें फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉमनली अगर L5-S1 एंड बिटवीन L4-L5, L5-S1 के बीच में देखने को मिलता है या L4-L5 के बीच में हमें कॉमन देखने को मिलता है, ये स्कॉटिश डॉग एंड स्पोन डायलोथिसिस हो जाता है, स्लिप कर जाते हैं हमारे वर्टिब्रास। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी क्या होगी। नॉर्मल क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होते हैं फॉरवर्ड या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वर्टिब्रा को, तो उसे प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी होते हैं वो प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट को चेक करेंगे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट के बीच में जो वर्टिब्रास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। फर्स्ट इज नॉर्मली फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी इज प्रिवेंटेड। जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसे वर्टिब्रल बॉडी होती है हमारी प्रिवेंट करती है, और प्राइमरली जो हमारी आर्टिकुलर प्रोसेस होती है उन्हें इंगेजमेंट में उन्हें ऐड करती है, जोड़ती है। एंड जो अटैचमेंट होता है हमारी वर्टिब्रा का, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एंड लिगामेंट का होता है वर्टिब्रा के बीच में, उसे चेक करना या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसे चेक करते हैं। चेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट बिटवीन द वर्टिब्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कॉजेज क्या है। सो फोर टाइप के कॉजेज है। एक सिस्टेमिक होता है, डिस्प्लास्टिक है हमारा 5 है, एंड डिजनरेटिव है, पैथोलॉजिकल है एंड ट्रॉमेटिक है। सो सिस्टेमिक में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का कॉज होता है जिसमें हमारे जो पास इंटर आर्टिकुलर स्पॉन्सेस होती है वहाँ पे लीजन देखने को मिलता है। सो लीजन 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्टिक फ्रैक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो आर्टिकुलर प्रोसेस है उस पर एक्सेसिव वेट पड़ रहा है, एक्सेसिव लोड हो रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उस वजह से फ्रैक्चर हो जाता है पास इंटर आर्टिकुलर प्रोसेस पे। एंड नेक्स्ट इज इंटैक्ट बट इलोंगेट पास आर्टिकुलर, एंड नेक्स्ट इज एक्यूट फ्रैक्चर ऑफ पास इंटर आर्टिकुलर। सो इन रीजन से स्टैमिक कॉज, मतलब इन रीजन से हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, स्पोन डायलोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक कॉमन टाइप का होता है, ये
कंजनाइटल जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बच्चों में, तो इट इज़ लीस्ट कॉमन टाइप, बहुत कम होता है। कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा, कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी भी डेवलप हो सकती है बर्थ के टाइम। एंड डिजेनरेटिव डिजीज में डिजेनरेटिव कॉज क्या होगा, इन सीन फेयरली कॉमन इन एल्डरली पीपल, ये कॉमन देखने को मिलती है, फेयरली कॉमन देखने को मिलती है एल्डरली पीपल्स में। द पोस्टियर फेसियल जॉइंट बिकम अनस्टेबल बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिजीज में क्या होगा, बियर एंड टीयर जॉइंट हो जाते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलता है, पोस्टियर फेसियल, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ता है, फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे जो हमारी वर्ट्रा है वो स्लिप कर जाते हैं एंड स्लिप करके स्पॉन्डाइलिस फॉर्म कर सकता है। पैथोलॉजिकल, कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी पहले से ही डिजीज़ है उसके रीजन से भी जर्नलाइज एंड लोकलाइज बोन डिजीज, कोई भी जनरल है लोकल बोन डिजीज है जिससे कि हमारी जो आर्टिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक हो जाती है, वीकनिंग द आर्टिकुलर फोर्सेस बिटवीन वर्टेब्रा, इस रीजन से भी स्पॉन्डाइलिस हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक में क्या है, कोई भी एक्सीडेंटल केस होते हैं, बॉलेंस एरिया का केस होता है तो वहाँ पे वर्टेब्रा स्लिप कर जाते हैं कोई इंजरी की वजह से। तो यहाँ पे हमने कॉज में क्या देखा, एक स्टैमिक कॉज देखा, डिसप्लास्टिक देखा, डिजेनरेटिव देखा, पैथोलॉजिकल देखा एंड ट्रॉमेटिक देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स एंड एग्जामिनेशन देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सरे एग्जामिनेशन। सो क्लिनिकल फीचर में क्या आते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी प्रेजेंट कंप्लेन होती है स्टैमिक टाइप के स्पॉन्डाइलिसिस में। जो एडोलेसेंट होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, उनमें ये कंप्लेन ज़्यादा देखने को मिलती है, डिजेनरेटिव टाइप इन ओल्ड एज हो जाता है। जो हमारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वर्स स्टैंडिंग और वॉकिंग, बहुत पेन होता है जब हम स्टैंडिंग या वॉकिंग करते हैं, बैक एक प्रॉब्लम होती है एंड पेन होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं हमारे लोअर लिम में एंड इस टाइप की हमें कुछ कंप्लेन देखने को पर्सन से मिलती हैं। प्रेजेंट सिम्टम बेगर विथ और विदाउट सियाटिका एंड नेक्स्ट इज पेन बिकम वॉकिंग और स्टैंडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन है एंड हमारा एक्सरे एग्जामिनेशन है। तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं तो विजुअल या पाल्पेबल होता है, हम उसे विजुअल ही देख सकते हैं, कभी कभी हमें विजुअली स्पॉन्डाइलिसिस दिख सकता है एंड हम पालपेट करके, हम सैक्रल क्रेस्ट के ऊपर पालपेट करके देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे स्पाइनल कॉलम का एंड और इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारे लंबर का लॉर्डोसिस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो सियाटिक नर्व होती है उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। और हम जो हमारा SLRT टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट होता है, वो हम सही से नहीं कर पाते हैं। सो विजुअल एंड पाल्पेबल टैप अबव सैक्रल क्रेस्ट ड्यू टू फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पाइनल कॉलम। नेक्स्ट इज SLRT। एक्सरे एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि हम एक्सरे एग्जामिन करेंगे, पेशेंट का एंटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है या पोस्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो हम देख सकते हैं लेटरल व्यू से और ऑब्लिक व्यू से। सो लेटरल व्यू में क्या होता है कि हम जब लेटरली पेशेंट को देखते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फोर कैटेगरीज उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री एंड ग्रेड फोर। जो ग्रेड वन का स्पॉन्डाइलिसिस होता है, स्पॉन्डाइलिसिस होता है, उसका मीन्स होता है कि जो वर्टेब्रा होते हैं वो डिस्प्लेस कर जाते हैं 25% एंटीरियर पोस्टीरियर। जो फर्स्ट ग्रेड होती है उसमें 25% जो वर्टेब्रा होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड आएगी उसमें 50% जो वर्टेब्रा वो डिस्प्लेस कर जाएंगे। ग्रेड थर्ड आएगी तो उसमें हमारे 75% वर्टेब्रा वो स्लिप कर जाएंगे एंड जो हमारी ग्रेड फोर आती है उसमें टोटली हमारा जो वर्टेब्रा होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है और हमारे वर्टेब्राज को अफेक्ट करता है। तो ये हम कॉमनली देखते हैं लेटरल व्यू में। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्लिक व्यू। सो एक्सरे वन ऑफ द वर्टेब्रा हैज स्लिप्ड ऑफ द स्पाइनल कॉलम। एक्सरे में हम देखते हैं कि जो वर्टेब्रा होता है वो स्लिप हो जाती है स्पाइनल कॉलम के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज स्पॉन्डाइलिसिस मीन्स 25% एंटीरियर पोस्टीरियर विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर वर्टेब्रा। सो ग्रेड वन और ग्रेड फोर होती है,
क्लियर वन में 25% एंट्री पोस्ट चली स्लिप कर जाते हैं वर्ड बाय देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट हम ऑब्लिक व्यू से जब देखेंगे एक्सरे के ऑब्लिक व्यू कराएंगे हम एक्सरे अगर पर्सन के स्पाइन का ऑब्लिक व्यू कराएंगे तो उसमें हमें मेनली देखने को मिलेगा कि उसकी जो पार्श इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस है वो अफेक्ट हुए हैं, वो डिफेक्ट देखने को मिलती है हमें एक्सरे में। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मली हम जब देखते हैं तो हमारी जो इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस होती है वहाँ पर एक स्कॉटिश डॉग का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसमें वो कॉलर बैंड पहने होता है। जब वो हमारी जो इस पार्श इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस है वो डिफेक्ट हो जाता है उसमें, तो हमारे जो जब हम ऑब्लिक व्यू से देखेंगे स्पाइन को तो वहाँ पे जो हमारा पार्श इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस होती है वहाँ पे जो डॉग है उसका जो कॉलर बैंड है वो स्लिप दिखाई देता है, डिस्प्लेस हो गया है, इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो ऑब्लिक व्यू स्पाइन में शो डिफेक्ट इन पार्श इंटर आर्टिकुलर्स, पार्श इंटर आर्टिकुलर डिफेक्ट कितना हुआ है वो हमें शो करता है एक्सरे के थ्रू। नॉर्मली क्या होता है कि पार्श इंटर आर्टिकुलर्स लुक लाइक ए स्कॉटिश डॉग इस कॉलर बैंड इस कॉल्ड स्पून डायलोसिस। जो स्कॉटिश डॉग होता है कॉलर बैंड पहने होता है तो उसे हम कहते हैं स्पून डायलोसिस। एंड जब हम एबनॉर्मलिटी हो जाती है तब क्या होता है कि इफ द हेड ऑफ स्कॉटिश डॉग इज सेपरेट फ्रॉम नेक द पेशेंट इज स्पून डायलोसिस। जो कॉलर बैंड होता है वो सेपरेट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसे हम स्पून डायलोसिस कहते हैं। एक बार और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो लुक लाइक स्ट्रक्चर स्पोन डायलिसिस जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं हम लेटरल व्यू से देखते हैं हमारी पार्श इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस इस टाइप से देखते हैं स्कॉटिश डॉग एंड बैंड नेक बैंड। जब हम ऑब्लिक व्यू से हम पार्श इंटर आर्टिकुलर को देखते हैं तो जब डिफेक्ट हो जाती है हमारी इंटर आर्टिकुलर स्पर्सेस तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि स्लिप कर गई नेक पे जो बैंड है वो स्लिप कर जाता है, जिसे स्पोन डायलिसिस बोलते हैं। यह हम एक्सरे के ऑब्लिक व्यू से देखते हैं स्पाइन को, उसी टाइम ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। सो हमारे ट्रीटमेंट में कुछ प्रिंसिपल होते हैं ट्रीटमेंट के। यदि हमें कुछ ही सिम्टम्स दिख रहे हैं, माइंड सिम्टम्स दिख रहे हैं स्पोन डायलोसिस के, तो हमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं और हम माइल्ड हैं तो हम उसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एडिक्वेट मीन्स जितना उसे नीड है, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, स्पाइनल एक्सरसाइज करा सकते हैं। यदि जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर है और उससे भी ज़्यादा सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम हमें जो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, हमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इट कंसिस्ट रेस्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट द अफेक्ट सेगमेंट फॉलोड बाई फ्लेक्शन एक्सरसाइज। हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली सपोर्ट देंगे पेशेंट को जिस एरिया पे अफेक्ट हुआ है हमारी सेगमेंट, एंड हम फॉलो करते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइज को। नेक्स्ट पेशेंट को एडवाइस होती है चेंज हिज जॉब एंड एक्सेसिव लोड। वो अपनी जो पहले से जो जॉब कर रहा है एक्सेसिव लोड ले रहा है उसे चेंज कर दे, क्योंकि उस ही रीजन से हमारे जो स्पोन डायलिसिस देखने को मिलता है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, इस कंजेस्टेड डीकम्प्रेशन ऑफ कंप्रेशन नर्व, मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारे जो नर्व होते हैं वो कंप्रेस कर जाते हैं तो उसे हमें डीकम्प्रेशन करना है। इफ एनी फ्यूजन ऑफ अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ स्पाइन, कोई भी जो सेगमेंट होते हैं वो अफेक्ट होकर फ्यूज हो गए स्पाइन में तो हमें नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की। फ्यूजन बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड एडजेसेंट वर्टेब्रा, यदि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और अदर वर्टेब्रा में फ्यूजन हो जाता है तो उस टाइम हमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की नीड होती है। यूज इंटरनल फिक्सेटेड डिवाइस लाइक पर्टिकुलर स्क्रू एंड रॉड। तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जो हम यूज़ करते हैं इंटरनली फिक्सेटर का यूज़ करते हैं, जिससे जो स्लिप्ड हुए वर्टेब्रा फिर से अपनी ही नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए, और हम कुछ जैसे कि पर्टिकुलर का यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं, रॉड का यूज़ करते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में। सो आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने स्पोन डायलिसिस में डिस्कस किया है, उसके कॉजेज डिस्कस किए हैं, हमने उसके एग्जामिनेशन देकर क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन देकर एंड ट्रीटमेंट देकर। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।